बेटा हम लोग जो है ना प्लांट किंगडम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। और प्लांट किंगडम में अपना जो है टेरिडो फाइटा तक हो गया था, ठीक है। आज जो है ऑलमोस्ट इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। आज लास्ट पार्ट मतलब जिम्नोस्पर्म करेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म के बाद फिर एंजियोस्पर्म आ जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है। प्लांट किंगडम में आपको मैं क्या बताया था बेटा कि हम इसमें बेटा एल्गी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद फिर हम एंजियोस्पर्म तक जा रहे हैं। इसका मैंने एक पैटर्न बनाया था ना कि किस पैटर्न में हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा, क्या देखना है, किसी भी चीज़ जैसे आप एल्गी ही पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसको डिफाइन करोगे, इस पैटर्न पे जाना है। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे बेटा, हैबिटेट देखोगे। दूसरी चीज आपको क्या देखनी थी, हैबिटेट। उसके बाद क्या देखना था, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद क्या देखोगे बेटा, लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन तो यही आ गया सर। उसके बाद क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल। सबसे लास्ट में क्या देखना है बेटा, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। सबसे लास्ट पार्ट क्या था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और अच्छी चीज़ है कि जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप नहीं दिया, पुराने एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी में मिल जाएगा, अभी हटा दिया है। और याद रखो बेटा, आपको जो फॉलो करना है प्योरली जो नई एनसीईआरटी जो अभी आई है ना, उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी चीज़ उसने हटा दी है उसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नीट जो है या एनटीए जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करता है, स्पेशली बायो में तो 100% एनसीईआरटी फॉलो करेगा। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म। अच्छा ये बताओ कि जो जब मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाया था प्लांट किंगडम का, तो उसमें मैंने इसमें भी एक पैटर्न बताया था। आपको लाइफ साइकिल कैसे स्टडी करना है बेटा, मैंने आपको बताया था कि प्लांट के लाइफ में दो स्टेज होती है। क्या होती है, टू स्टेज होती है। एक स्टेज होती है बेटा इसके डिप्लॉयड स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और एक होती है बेटा हैप्लॉयड स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो आपको यही देखना है बेटा, इसकी लाइफ साइकिल में बस यही देखना है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट किस तरह से बन रहा है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बन रहा है, आपको यही देखना है लाइफ साइकिल में, ठीक है। स्पोरोफाइट 2n है बेटा, गैमेटोफाइट क्या है बेटा, एन स्टेज है। हमको स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है। कैसे बनेगा बेटा, किस तरह से बनेगा स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, हाँ सबसे पहले मियोसिस करके क्या बना लेगा बेटा, स्पोर बना लेगा। मियोसिस करके क्या बनाएगा बेटा, स्पोर बनाएगा। और ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देगा बेटा, गैमेटोफाइट बना देगा। अब गैमेटोफाइट से आपको स्पोरोफाइट बनाना है, ये कैसे बनेगा, गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, ये फ्यूज होकर क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट। और जाइगोट क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। तो याद रखो बेटा, जब भी आप प्लांट की लाइफ साइकिल जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको इस पे ध्यान देना है कि अगर स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट किस तरह से बनेगा और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनेगा। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना है, स्पोरोफाइट से जब स्पोर बन रहा है बेटा तो क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और जब गैमेटोफाइट से जब गैमेट बनेगा तो माइटोसिस होगा। क्योंकि देखो स्पोर क्या है बेटा, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोर क्या है, अप्लाइड स्ट्रक्चर। और गैमिट क्या होते हैं, गैमिट भी अप्लाइड होते हैं। लेकिन देखो स्पोर कहाँ से आ रहा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से एक अप्लाइड स्ट्रक्चर आ रहा है। स्पोर किससे बन रहा है, स्पोरोफाइट से, जो कि इटसेल्फ क्या है बेटा, 2n है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मियोसिस करना पड़ेगा। जबकि गैमिटोफाइट से गैमिट बन रहा है, गैमिटोफाइट इटसेल्फ क्या है बेटा, अप्लाइड है, तो इसको क्यों मियोसिस करना पड़ेगा। ये इसलिए आपको बार बार याद रखना जरूरी है क्योंकि अगर आप थोड़ा एनिमल वर्ल्ड में जाओगे तो आप देखोगे एनिमल्स में क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होता है, जब गैमेट बनता है तब मियोसिस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, जब स्पोर बन रहा है तब मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आप जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा इसको सबसे पहले बेटा डिफाइन करो, क्या होता है जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट, सबसे पहले सीड क्या था, यही फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट
सीड बियरिंग प्लांट। आ रहा है बेटा समझ में? ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि जिम्नोस्पर्म क्या है? फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट है, सबसे पहली चीज आप ध्यान रखो। अच्छा, इसका हैबिटेट क्या है? मेनली आपको कहाँ मिलता है? अगर एक लाइन में बोलूँ तो क्या बेटा? टेम्परेट जोन में। किस जगह में मिलता है बेटा? जिम्नोस्पर्म मेनली टेम्परेट जोन में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? ऐसे एरिया में जहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मॉडरेट रहता है। जहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है बेटा? मॉडरेट है। तो याद रखो बेटा, जिम्नोस्पर्म का हैबिटेट अगर आपको ध्यान रखना है तो एक लाइन में याद रखो, ये कहाँ मिलेगा? टेम्परेट जोन में। ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल नहीं है, मेनली कहाँ मिलता है? टेम्परेट जोन में। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है बेटा, यहाँ से आपके नीट के क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। अब आता है बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी ये दिखता कैसा है। जिम्नोस्पर्म का अगर प्लांट की अगर बात करोगे तो ये कैसा दिखेगा? तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे थे बेटा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका स्टेम। अच्छा, अगर आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूं, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में स्टेम मिल रहा था? क्योंकि देखो, ट्रू स्टेम के लिए मैंने बताया था जरूरी चीज क्या होती है? वैस्कुलर टिश्यू। ट्रू स्टेम के लिए जरूरी एलिमेंट क्या होता है बेटा? वैस्कुलर टिश्यू। अब बताओ, जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो याद रखो बेटा, इसमें ट्रू स्टेम देखने को मिलता है क्योंकि इसमें क्या मिलेगा बेटा आपको? जाइलम एंड फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब मैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जब कराऊंगा तो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि जाइलम और फ्लोएम के कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकेट्स होगा कि वेसल्स मिलेगा, कैंपेनियन सेल होती है कि नहीं, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं उस समय डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? अभी तुम याद रखो कि जो जो जिम्नोस्पर्म है उसका स्टेम क्या होता है बेटा? ट्रू स्टेम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब आ जाओ बेटा कि जो इसके दो एग्जाम्पल याद रखो, एक है साइकस। साइकस का जो स्टेम होता है बेटा वो अनब्रांच्ड होता है। जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? साइकस। साइकस का स्टेम कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल याद रखो बेटा, पाइनस एंड सेड्रस। पाइनस एंड सेड्रस इसका क्या होगा? ये ब्रांच होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो सबसे पहले चीज मैंने आपको स्टेम में बताई कि इसमें क्या प्रेजेंट है? ट्रू स्टेम प्रेजेंट है। दूसरी चीज मैंने इसके एग्जाम्पल फिर आपको बताया। साइकस जो है जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, लेकिन उसका स्टेम कैसा है बेटा? अनब्रांच्ड है। वो क्या है बेटा? अनब्रांच्ड है। पाइनस एंड सेड्रस क्या है? पाइनस एंड सेड्रस जो है बेटा वो ब्रांच्ड है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें स्टेम की। अब अगली चीज क्या देखोगे बेटा? इसमें क्या क्या होता है प्लांट में? स्टेम होगा, लीफ होगा, रूट होगा। स्टेम देख ले, रूट देख लो इसका। अब अगली चीज हम क्या देखेंगे? रूट देखेंगे। अच्छा, अब तक इससे पहले जब भी हम बात करें, एल्गी में क्या था? रूट था? नहीं था। थोड़ा रूट जैसा होल्ड फास्ट आपको दिख रहा था ब्राउन एल्गी में, लेकिन अदरवाइज रूट कहीं नहीं देखने को मिला। ब्रायोफाइटा में रूट नहीं था, राइजोइड्स था। रूट जैसा स्ट्रक्चर था, क्या था? राइजोइड प्रेजेंट था। टेरिडोफाइटा में रूट था, ठीक है ना, लेकिन क्या था? एडवेंटेशियस रूट था। किस तरह का था? एडवेंटेशियस टाइप का रूट मिल रहा था टेरिडोफाइटा में। यहां पर याद रखो बेटा, जो जिम्नोस्पर्म है इसमें टैप रूट सिस्टम मिलता है। यहां क्या होगा बेटा? टैप रूट सिस्टम मिलता है। जिम्नोस्पर्म का रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम, ठीक है? अब याद रखो बेटा, इसका जिम्नोस्पर्म का जो टैप रूट सिस्टम है, इसमें आपको दो टाइप के मॉडिफिकेशन या दो टाइप के एसोसिएशन देखने को मिलेंगे। एक है बेटा, एक क्या है? माइकोराइजा। एक क्या है बेटा? माइकोराइजा। ये क्या है? माइकोराइजा क्या होता है? फंगस का एसोसिएशन, रूट के साथ फंगस एसोसिएशन। ये सारी एनसीईआरटी में आप लोग बुक लेके आया करो अपनी, माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है बेटा? फंगस का एसोसिएशन। अच्छा, किसमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के? किस प्लांट में? पाइनस में। तो पाइनस में क्या मिलेगा बेटा? माइकोराइजा। पाइनस ट्री में माइकोराइजा। दूसरा एसोसिएशन क्या है? कोरेलॉइड रूट। दूसरा एसोसिएशन क्या मिल रहा है बेटा? कोरेलॉइड रूट। ये क्या है बेटा?
साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है साइकस। तो देखो रूट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। रूट क्या, सबसे पहली बात इसका सिस्टम क्या है, किस टाइप के रूट है, टैप रूट सिस्टम। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें माइकोराइजल रूट्स भी मिलती हैं और कोरलाइड रूट भी मिलती हैं। माइकोराइजा में क्या है बेटा, फंगस के साथ टैप रूट का एसोसिएशन। इसका एग्जांपल क्या है, पाइनस ट्री। कोरलाइड में क्या है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का टैप रूट के साथ जिम्नोस्पर्म में एसोसिएशन। ये इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल साइकस। ठीक है, ब्रांच स्टेम क्या थे, ब्रांच क्या था, पाइनस एंड सेड्रस। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल ध्यान रखते चलो। इस पे पोटेंशियल क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली बेटा हमने इसके रूट की। अब अगली चीज क्या बच रही है, अब अगली चीज आपको ध्यान रखनी है लीफ की। देखो एक चीज याद रखो बेटा कि जो जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है ना, वो कई बार उन एरिया में मिलता है जहां पर काफी ज्यादा स्नोफॉल होता है। ठीक है ना, कई बार ऐसे एरिया में मिलता है जहां पर क्या होता है बेटा, स्नोफॉल काफी ज्यादा होता है। तो याद रखो जो भी स्नोफॉल वाले एरिया होते हैं ना, वो एक तरह से ड्राई डेजर्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपने देखा ना कि जिसको डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, ठीक है, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं बेटा, ड्राई डिजर्ट की तरह। इसका मतलब क्या है बेटा, इसके लीफ में वो सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे जो कि जीरोफिटिक प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जो कि जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो कैसे होता है बेटा इसके लीफ में मॉडिफिकेशन, सबसे पहले क्या होगा बेटा, इसकी लीफ जो होगी ना वो पॉइंटेड होगी, निडिल लाइक या पॉइंटेड लीफ होगी। क्यूटिकल कैसा होगा बेटा इसका, ट्रांसपिरेशन रोकना है तो कैसा होगा, क्यूटिकल थिक होगा। और स्टोमेटा कैसे होंगे बेटा, स्टोमेटा क्या होंगे बेटा, सनकेन होंगे। तो जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है बेटा, इसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो लीफ होगा बेटा ऐसे पॉइंटेड हो जाएगा, ठीक है, पॉइंटेड निडल लाइक लीफ होगी। दूसरा क्या होगा बेटा, इसका जो क्यूटिकल जो होगा वो थिक हो जाएगा। और स्टोमेटा क्या होंगे बेटा, ऐसे एम्बेडेड होंगे, डीप सीटेड है, डीप सीटेड क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे। ये तीनों मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा बेटा जिम्नोस्पर्म में। और स्पेशली बेटा जिम्नोस्पर्म के जो कोनिफर प्लांट होते हैं ना, कोनिफेरस प्लांट होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म के एक वैरायटी जिसको बोलते हैं कोनिफर, जो ऐसा कौन सा टाइप का शेप बनाते हैं, उस प्लांट में मेनली आपको इस तरह का मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और याद रखना है बेटा कि जो साइकस प्लांट है, ठीक है, साइकस प्लांट की लीफ जो होती है वो मेनी ईयर्स तक परसिस्ट करती है। साइकस प्लांट की लीफ जो है बेटा वो मेनी ईयर्स तक परसिस्ट करती है। ठीक है, इस चीज इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइकस प्लांट की लीफ जो है वो मेनी ईयर तक परसिस्ट करती है। पिनेटली कंपाउंड एंड पॉमेटली कंपाउंड वाला पार्ट जो है ना, मैं जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पिनेटली एंड पॉमेटली ही नहीं मालूम, उसमें आपको ध्यान नहीं रहता, उस समय मैं करवाऊंगा इसको। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी आया समझ में, हमको पैटर्न किस तरह से बनाना है किसी का भी, जैसे ब्रायोफाइटा भी आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका आप ध्यान रखो कि स्टेम आप डिस्क्राइब करोगे, लीफ के बारे में बताओगे, रूट के बारे में बताओगे। टेरिडोफाइटा में भी सेम पैटर्न रखना है, जिम्नोस्पर्म में भी हमको यही चीजें देखनी है। अब आते हैं बेटा इसका जो अगला पार्ट जो हमको देखना है वो है इसका, अगला क्या देखेंगे, अगला क्या देखोगे बेटा, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या देखना होता है बेटा, सबसे पहले चीज आपको देखनी होती है कि किसी भी प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो जिम्नोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा, स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले इसका जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, स्पोरोफाइट से। तो जिम्नोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी है बेटा वो
स्पोरोफाइट है, यानी टू एन स्टेज जो है बेटा इसका डोमिनेंट स्टेज है। अच्छा, अब स्पोरोफाइट से अगर आपकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है तो ये स्पोरोफाइट क्या बनाएगा बेटा? स्पोर बनाएगा। स्पोरोफाइट से क्या बनेगा बेटा? स्पोर बनेगा, जो कि हैप्लॉयड है। ऑब्वियसली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से अगर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रहा है तो क्या हो रहा होगा? म्यूसिस हो रहा होगा, ये म्यूसिस हो रहा होगा। ओके, अब ये बताओ बेटा कि जो स्पोर जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू में। स्पोर किसी भी प्लांट में बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू में। यानी ये स्पोर कहाँ बन रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू में बनेगा। ये स्पोर बनेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोर बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू में, इस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे टिश्यू को हम बोलते हैं बेटा स्पोरेंजिया। तो याद रखो बेटा, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। स्पोर कहाँ बनेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू में बनेगा। उस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। ठीक है ना? जिस बैग में प्रेजेंट होता है उस बैग के साथ उस स्ट्रक्चर को हम पूरा क्या बोल देते हैं? स्पोरेंजिया बोल देते हैं। अच्छा, इससे पहले आप थोड़ा सा पीछे आओ। आपने देखा टेरिडोफाइटा में भी स्पोर बन रहा था स्पोर उसमें। टेरिडोफाइटा में ध्यान है कि नहीं, स्पोर बन रहा था। और ब्रायोफाइटा में भी स्पोर बन रहा था। याद रखो बेटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में तो पूरे के पूरे प्लांट क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइटा के जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? होमोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या क्या हेट्रोस्पोरस थे? एग्जाम्पल क्या था? सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। टेरिडोफाइटा के प्लांट जो हेट्रोस्पोरस थे, दो ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं। क्या एग्जाम्पल है बेटा? वो सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। लेकिन याद रखो बेटा, जो जिम्नोस्पर्म है ये पूरा का पूरा हेट्रोस्पोरस होता है। इसके सारे प्लांट क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म पूरा का पूरा, इसमें इसके सारे प्लांट जितने हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं। कोई भी होमोस्पोरस प्लांट नहीं है, हेट्रोस्पोरस है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा कि इससे दो टाइप के स्पोर बनेंगे। एक स्पोर होगा बेटा जो कि छोटे साइज का होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। एक स्पोर जिसकी साइज थोड़ी छोटी होगी वो क्या हो गया? माइक्रोस्पोर। दूसरा स्पोर बेटा जिसकी साइज क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। अब देखो, अब ऑब्वियसली बेटा ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जिस स्पोरेंजियम टिश्यू में बनेगा उसको हम क्या? आवाज आ रही बेटा कि नहीं पीछे? जिस स्पोरेंजियम टिश्यू में बनेगा उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगा स्पोर बेटा जिस स्पोरोजिनस टिश्यू में बनेगा उसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज तुमको और ध्यान रखनी है कि जैसे सपोज करो आपको अगर टेरिडोफाइटा ध्यान हो बेटा, तो टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया की लोकेशन कहाँ थी? कहाँ प्रेजेंट थे वो? लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के किस पे प्रेजेंट थे बेटा? लोअर सरफेस। टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरेंजिया की लोकेशन क्या थी बेटा? लोअर सरफेस ऑफ लीफ। और याद रखो बेटा, ऐसी लीफ जिस पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है उस लीफ को हम क्या बोलते थे? उसको हम क्या बोल रहे थे? स्पोरोफिल। ऐसी लीफ जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट था? स्पोरेंजिया प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोल रहे थे? स्पोरोफिल। सारा भूल गए, चलो इसको ना एक बार करवाने के बाद मैं तुमको पूरा एक कंपेरेटिव चार्ट भी बनवा दूंगा, ठीक है? एक टेबल बना के करवा दूंगा, उससे याद हो जाए। याद रखो बेटा कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, वो टेरिडोफाइटा हो चाहे जिम्नोस्पर्म, अप टू जिम्नोस्पर्म तक वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो जैसे लीफ है ना, लीफ के लोअर सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं। और जिस लीफ पर जो है बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, उस लीफ को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। आप सपोज करो बेटा,
अगर इस लीफ पे मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो आप इसको क्या बोल दोगे? मेगा स्पोरोफिल। इस लीफ को क्या बोल दोगे? मेगा स्पोरोफिल। अगर माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे आप इसको? माइक्रो स्पोरोफिल। उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे सपोज करो बेटा ये लीफ है, ये ऐसी लीफ है ठीक है ना, इसके ऊपर स्पोरेंजियल टिश्यू प्रेजेंट है और ये लीफ ही किस तरह का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही है। जब ये लीफ जो है बेटा स्पोरोफिल जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबुलाइया कोन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोबुलाइया कोन। तब जब मेगा स्पोरोफिल बेटा अगर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? मेगा कोन। उसको हम क्या बोलेंगे? मेगा कोन। ये हो गया बेटा मेगा कोन। और माइक्रो स्पोरोफिल जो बनाएगा वो क्या है बेटा? वो मेगा कोन बन रहा है तो ये क्या होगा? माइक्रो कोन। ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज तुमको और ध्यान रखना है कि जो मेगा स्पोर है बेटा ये जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? मेगा स्पोर जो है जब ये जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा? अच्छा टेरिडोफाइटा में जब स्पोर जर्मिनेट हो रहा था तो क्या बना रहा था? स्पोरोफाइट से स्पोर बना, स्पोर से फिर क्या बनना चाहिए? गैमेटोफाइट। जाना स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है बेटा? गैमेटोफाइट बनता है। अब देखो होता क्या है कि जो टेरिडोफाइटा में आप ना जो गैमेटोफाइट बन रहा है उसको मेल फीमेल में आप उसको डिफ्रेंशिएट मॉर्फोलॉजिकली नहीं कर सकते, उसको आप मॉर्फोलॉजिकली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन जिम्नोस्पर्म से आप उसको मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा जो मेगा स्पोर जो है ना ये जब जर्मिनेट होता है तो क्या बनाता है? ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये क्या बनाएगा? इसके जर्मिनेशन से बनेगा बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊपर में, इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। इससे बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। और जो माइक्रो स्पोर है बेटा इसके जर्मिनेशन से क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। इसीलिए जो बेटा याद रखो कि जो मेगा कोन है इसको हम फीमेल कोन भी बोलते हैं। मेगा कोन को हम क्या बोलते हैं? फीमेल कोन। और जो माइक्रो कोन है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? मेल कोन। चलो एक बार तुम फिर से सीक्वेंस बताओ कि जो स्पोरोफाइट है बेटा इससे क्या बनेंगे? जिम्नोस्पर्म में स्पोर बनेंगे। कितने टाइप के स्पोर बनेंगे? माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर। माइक्रो स्पोर क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगा स्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसलिए जो माइक्रो स्पोर से जो कोन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेल कोन बोलेंगे। और जो मेगा स्पोरोफिल वाला जो कोन बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल कोन बोलेंगे। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अभी ध्यान रखते चलो। अब इसमें बस एक चीज और याद रखो, अभी तक जो है बेटा याद रखना कि हम जो टर्म यूज कर रहे थे बेटा वो स्पोरेंजियम टर्म हम यूज कर रहे थे। अभी तक जो स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए जो टर्म हम यूज कर रहे थे क्या यूज कर रहे थे बेटा? स्पोरेंजियम। लेकिन याद रखो बेटा जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो मेगा स्पोरेंजिया है ना, मेगा स्पोरेंजियम के चारों तरफ क्या होता है बेटा? एक और कवरिंग आ जाती है। मेगा स्पोरेंजियम के चारों तरफ क्या आ जाता है बेटा? एक और कवरिंग आ जाती है। अब यहां पर जो मेगा स्पोरेंजियम है इसको हम ओव्यूल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप इसको मेगा स्पोरेंजियम की जगह अब आप क्या बोलोगे? इसको ओव्यूल बोलोगे। तो याद रखो बेटा प्लांट किंगडम में फर्स्ट टाइम ओव्यूल टर्म कहां देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म में। और एक्चुअल में ओव्यूल क्या है? इट्स ए कवर्ड मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है? कवर्ड मेगा स्पोरेंजियम। देखो ये सपोज करो बेटा ये मेगा स्पोरेंजियम टिश्यू है, ये क्या है? मेगा स्पोरेंजियम टिश्यू है। इसकी चारों तरफ आपने क्या बना दिया? ये कवरिंग बना दिया ग्रीन कलर से। जब ये मेगा स्पोरेंजियम टिश्यू के चारों तरफ एक कवरिंग आ गई तब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ओव्यूल में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है ना। और याद रखो बेटा, अब जब ये मेगास्पोरेंजियम टिश्यू जब ओव्यूल में कन्वर्ट हो गया, तब इसके अंदर का जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू है, इसके लिए अब हम जो टर्म यूज करते हैं वो न्यूसेलस टर्म यूज करते हैं। अब आप इसको क्या बोलोगे? न्यूसेलस। आ रही बात समझ में? तो न्यूसेलस क्या है? मेगास्पोरेंजियम टिश्यू है, ठीक है ना। और एक्चुअल में मेगास्पोरेंजियम टिश्यू किससे कवर्ड हो गया है? उसके चारों तरफ कवरिंग आ गई, इंट्यूबमेंट आ गया, तब आप न्यूसेलस को, अब मेगास्पोरेंजियम टिश्यू को आप क्या बोलने लग रहे हो? न्यूसेलस बोलने। ये सारे टर्म ध्यान रखने हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना इस तरह से पूछता है कि एनालॉगस ऑर्गन क्या है हायर प्लांट में, मतलब न्यूसेलस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओव्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लास्ट में जब एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? पीछे वाले बच्चे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा, हम लोग जो है ना लाइफ साइकिल हम इसकी स्टडी कर रहे थे। लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमने देखा कि इसके जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं वो कैसे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया है। इसके मेगास्पोरेंजिया के लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं बेटा? ओव्यूल टर्म हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं बेटा कि जो मेगास्पोरेंजिया है, इसका जो मेगास्पोरेंजिया है या जो इसका ओव्यूल है, उससे जो है फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, ठीक है, उसके स्टेप्स को आपको समझना है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा ना, क्योंकि इसमें जिम्नोस्पर्म में कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बगैर इसके आप समझ नहीं सकते। हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उसको आंसर नहीं कर पाओगे। देखो बेटा, ये जो है ना जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है, ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है। ये ओव्यूल के जो ग्रीन कलर से बनाए बेटा, इसके कवरिंग है। देखो कवरिंग जो एक स्टेज एक एंड पे थोड़ी सी ओपन होती है, पूरा कंप्लीटली कवर्ड करके नहीं होता। ये कौन सा एंड होता है? ये माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या एंड होता है बेटा? ये माइक्रोपाइल वाला एंड है। अब नीचे वाला एंड क्या होता है? चैलेंजर एंड होता है। ये एंजियोस्पर्म में और अच्छे से आएगा, लेकिन इसी तरीके का ओव्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब देखो होता क्या है बेटा, ये जो मेगा, अब इससे हमको क्या बनाना है? फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, ठीक है ना। इससे हमको क्या बनाना है? यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो क्या होगा कि ये जो मेगास्पोरेंजियम टिश्यू है, जो न्यूसेलस टिश्यू है ना, इसकी एक सेल जो है, कोई भी एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। न्यूसेलस की या मेगास्पोरेंजियम टिश्यू की एक सेल जो है बेटा, जो कि मोस्ट लाइकली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लोकेटेड है, वो क्या होगी? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक सेल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक सेल क्या होगी बेटा? थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाएगी और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर स्टोर करके रख लेगी। ये जो लार्ज सेल जो बन गई बेटा ना, ये जो लार्ज सेल बन गई, ये क्या है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल। बाकी जो है आपको बनाना हो, बाकी सेल जो वैसे ही रहेंगे, न्यूसेलस टिश्यू बाकी वैसे ही रहेगा। इसके बाहर कवरिंग भी बना लो। ये मेगास्पोर मदर सेल हो गया। अच्छा, अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है बेटा कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है उसकी प्लॉयडी कैसी होती है? मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉयडी कैसी होती है? प्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा? डिप्लॉयड होगा। मेगास्पोर अभी मदर सेल है ना, तो अभी क्या होगा बेटा? ये डिप्लॉयड होगा। इसकी प्लॉयडी जो है बेटा 2n है, ठीक है ना। अब ये जो बेटा मेगास्पोर मदर सेल है, इससे क्या बनना चाहिए? मेगास्पोर बनना चाहिए। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर। अब क्या होगा बेटा? सिर्फ इसी एक सेल में मियोटिक डिवीजन होगा। इसी एक सेल में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन से क्या होगा बेटा? ये एक सेल जो है 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक सेल किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गई। ये जो हैप्लॉयड सेल बनी बेटा, ये क्या है?
मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, ये फोर हैप्लॉयड क्या बन गए, मेगास्पोर। ये आपके क्या दिख रहे हैं बेटा, मेगास्पोर। अच्छा मेगास्पोर की प्लाइडी क्या होगी बेटा, हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस से बन रहा है, ये मियोसिस से बन रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा होगा ना, आउट ऑफ जो फोर मेगास्पोर है बेटा, ये जो फोर मेगास्पोर है बेटा, इसमें से तीन क्या होंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। जैसा एंजियोस्पर्म में होता है सेम इसमें भी होगा, आउट ऑफ जो फोर मेगास्पोर है उसमें से तीन जो है डी जनरेट हो जाएंगे। याद रखो बेटा, फोर मेगास्पोर डी जनरेट हो गए और सिर्फ एक मेगास्पोर ये बचा रहा, बाकी सारे क्या हो गए, वो डी जनरेट हो गए, बाकी सारे मेगास्पोर अपने डी जनरेट हो गए। सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर जो है वो सर्वाइव कर गया। अच्छा अब आपको थोड़ा सा ध्यान हो, टेरिडोफाइटा में जो स्पोर बन रहा था उसका फेट क्या था बेटा, उसका क्या होता था, टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट में जो स्पोर बन रहा था वो क्या हो रहा था, वो सॉयल में जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना रहा था। कहाँ जर्मिनेट हो रहा था, सॉयल में, ठीक है ना, वो प्लांट में जर्मिनेट नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ये जो मेगा स्पोर बना, ये क्या होगा, ये इसी स्पोरोफाइट के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा, इसी स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, ये ग्रो करके क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, टेरिडोफाइटा में जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो कहाँ हो रहा था, सॉयल में हो रहा था, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में बेटा जो स्पोर जो बन रहा है बेटा, जो मेगा स्पोर बना उसका जर्मिनेशन कहाँ हो रहा है, स्पोरोफाइट के अंदर ही हो रहा है, जो ओव्यूल है इसी के अंदर है जर्मिनेट होगा। देखो जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, इसके अंदर बेटा जर्मिनेट होकर एक लार्ज स्ट्रक्चर बना लेगा, लार्ज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा। इस लार्ज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होंगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये जर्मिनेट होकर, ये देखो इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर बना ले रहा है, ठीक है ना, ये जो लार्ज स्ट्रक्चर बना बेटा जर्मिनेट होकर जो बना, ये जो है बेटा एम्ब्रियोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट है, ये क्या है बेटा, इसका फीमेल गैमेटोफाइट, या आप इसको एम्ब्रियोसाइट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इसके चारों तरफ कवरिंग बना दो, ठीक है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना बेटा, इसमें आप देखोगे नीचे की तरफ बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बहुत सारी सेल दिख रही है, ऊपर की तरफ मैंने दो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो क्या होता है बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट या जो एंजियोस्पर्म जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसमें दो चीजें देखने को मिलेंगी बेटा, एक जो होगा बेटा एंडोस्पर्म बनता है और दूसरा जो है बेटा आर्किगोनिया बनता है। एक क्या होगा एंडोस्पर्म और दूसरा क्या होगा आर्किगोनिया। तो जो ऊपर की तरफ जो बनाया हूँ बेटा ये क्या है बेटा, ये आर्किगोनिया है, ऊपर की तरफ जो फ्लास्क से फिर दो स्ट्रक्चर बनाया हूँ ना, ये आर्किगोनिया है, और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर, ये जो मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल जो है बेटा, ये क्या है इसका एंडोस्पर्म है। अच्छा ये बताओ बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट में जो एंडोस्पर्म बन रहा है ये फर्टिलाइजेशन के पहले, हाँ एन होगा बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन के पहले बन रहा है कि बाद में बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के पहले बन रहा है, इसकी प्लाइडी क्या है बेटा एन है, और एंजियोस्पर्म में कब बनता है अगर याद हो तो, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और प्लाइडी क्या होती है बेटा थ्री एन ट्रिप्लाइड होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो हमने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की, कि जो जो जिम्नोस्पर्म का जो मेगास्पोरेंजिया है बेटा वो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर है, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, उसमें क्या होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, वो एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा बेटा, फोर फोर मेगास्पोर बनेंगे। अच्छा क्या होगा बेटा, फोर मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ फोर मेगास्पोर क्या होंगे बेटा, एक मेगास्पोर सिर्फ जो सरवाइव करेगा, तीन डीजनरेट हो जाएंगे,
ये एक जो मेगा स्पोर है बेटा फुल्ली डेवलप होकर क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। याद रखो बेटा जो जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें टू आर मोर आर्किगोनिया होते हैं। जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी दिया है, फीमेल जो 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 जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट या जो एम्ब्रियो सैक है उसमें टू आर मोर आर्किगोनिया होते हैं। और अच्छा ये बताओ बेटा जो फीमेल गैमेटोफाइट है तो इसको क्या बनाना है, फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। तो फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, जो आर्किगोनिया है ना इसके अंदर एक फीमेल गैमेट बनेगा। जो आर्किगोनिया दिख रहा है ना इसके अंदर क्या होंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे। एक आर्किगोनिया के अंदर एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, एक आर्किगोनिया में एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है तो क्या बताओगे, आर्किगोनिया अगर नहीं दिया है तो, आर्किगोनिया नहीं दिया है तो फीमेल गैमेटोफाइट, अगर फीमेल गैमेटोफाइट भी नहीं दिया तो फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है वो भी नहीं दिया है तो एंडोस्पर्म। याद रखो बेटा जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट है कई बार उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि देखो कि इसमें प्रीडोमिनेंट सेल क्या है, एंडोस्पर्म। इसमें बहुत ज्यादा नंबर किस सेल का है, एंडोस्पर्म का। इसलिए कई बार जो जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके लिए कई बार हम क्या टर्म यूज कर लेते हैं, एंडोस्पर्म। आ रहा है समझ में? तो कई अगर अब कई बार अगर नीट में क्वेश्चन पूछता है कि जिम्नोस्पर्म का जो जो फीमेल गैमेट या एग या ओवम कहाँ लोकेटेड है तो आर्किगोनिया, अगर आर्किगोनिया नहीं दिया तो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट भी नहीं है तो एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आ गया बेटा समझ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा बेटा, हमको हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं ना, तो लाइफ साइकिल में आपको क्या करना है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट फॉर्म करना है। तो हमने स्पोरोफाइट से फीमेल गैमेटोफाइट तो बना लिया, क्या बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या लोकेटेड है बेटा, एग या ओवम लोकेटेड है। अब क्या होगा बेटा, ये एग या ओवम जब फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या बनाएगा बेटा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या बनाना है, मेल गैमेट कैसे होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन अब समझना है, ठीक है ना। अब हमको मेल गैमेट समझना है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि टेरिडोफाइटा में जो गैमेटोफाइट जो है बेटा वो सॉयल के अंदर जर्मिनेट होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है, जो जर्मिनेशन है, वो कहाँ हो रहा है बेटा, स्पोरोफाइट के अंदर हो रहा है, प्लांट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है ना, वो प्लांट के अंदर ही हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड है, बोल सकते हैं कि नहीं। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट क्या था, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट, उसके ऊपर क्या डिपेंडेंट था, स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट की क्या पोजीशन थी, कहाँ जर्मिनेट हो रहा था, हाँ सॉयल में जर्मिनेट हो रहा था। तो क्या था, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर देखो बेटा मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, लेकिन गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन कहाँ हो रहा है, प्लांट के अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर। इसलिए गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड है। गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लास्ट में हम इसका एक टेबल भी बनाएंगे। चलो तो ये है बेटा आपका फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन तक। अब आते हैं बेटा अगला पॉइंट, हम इसमें देखते हैं कि जो मेल गैमेट है वो कैसे बन रहा है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है बेटा, ये जो है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग टिश्यू यही प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो जो मेगास्पोर फॉर्मेशन में, और जब माइक्रोस्पोर से मेगास्पोर फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है बेटा। जब मैंने आपको मेगास्पोर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कोई भी न्यूक्लियस की कोई भी एक सेल जो है बेटा मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रही है,
है कि नहीं, एक सेल जो है किसमें कन्वर्ट हो रही थी, मेगास्पोर मदर सेल में। लेकिन याद रखो बेटा, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के समय माइक्रोस्पोरेंजिया की जो हर सेल जो है ना वो माइक्रोस्पोर बना सकती है। ये जो ईच सेल जो है ना इसकी हर सेल क्या बना सकती है, माइक्रोस्पोर। तो जैसे ये सेल उठा लो, ये सेल उठा लो, हर सेल से क्या होगा बेटा, इसमें म्यूटिक डिवीजन होगा, और म्यूसिस डिवीजन के बाद क्या बन जाएंगे बेटा, फोर माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। हर सेल से क्या बन जाएंगे बेटा, फोर माइक्रोस्पोर। जबकि याद रखो बेटा, ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर बन रहा था, एक ही मेगास्पोर बन रहा था, या सॉरी मेगास्पोर तो चार बन रहे थे, सर्वाइव एक ही कर रहा था। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हर सेल से फोर मेगास्पोर बन रहा है, जिसमें से कोई भी डिजेनरेट नहीं होता, सारे के सारे सर्वाइव करते हैं, सारे के सारे क्या करेंगे बेटा, सर्वाइव करेंगे। और रूटीनली जो है ये जो फोर मेगास्पोर है बेटा, ये क्या होंगे, ये जो है एक फोर सेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो मेगा, ये जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं बेटा, ये माइक्रोस्पोर क्या होंगे, स्पोरोफाइट के अंदर ही जर्मिनेट होके ये फोर सेल स्ट्रक्चर बना लेंगे। तुमको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्रोथैलस सेल क्या है, जनरेटिव सेल क्या है, ट्यूब सेल क्या है, आपको जिम्नोस्पर्म में ध्यान नहीं रखना है, ये एंजियोस्पर्म में बताऊंगा। याद रखो बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाता है बेटा, एक फोर सेल स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी फिर से बताओ मेरे को, जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है स्पोर जर्मिनेट होता है तो, गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। तो ये जो फोर सेल स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होकर जो फोर सेल स्ट्रक्चर बना रहा है क्या है बेटा, ये मेल गैमेटोफाइट है। और चूंकि ये जो मेल गैमेटोफाइट है बेटा प्लांट बॉडी के अंदर ही बन रहा है, स्पोरोफाइट के अंदर ही बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं पोलन ग्रेन। इसको आप क्या बोल दोगे, पोलन ग्रेन। एक्चुअल में पोलन ग्रेन क्या है बेटा, इट्स ए हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, इट्स ए हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट विच फॉर्म्ड इन साइड द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो पोलन ग्रेन क्या है, हाईली रिड्यूस्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ चार सेल का स्ट्रक्चर है, जिम्नोस्पर्म में फोर सेल, एंजियोस्पर्म में टू या थ्री सेल। एंजियोस्पर्म में कितना होता है, टू या थ्री सेल, जिम्नोस्पर्म में कैसा है, फोर सेल। बाकी अगर टेरिडोफाइट अगर आप देखो क्या बेटा, सॉयल में जर्मिनेट होकर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा था, यहां पर क्या है बेटा, सिर्फ फोर सेल स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका मतलब क्या, हाईली रिड्यूस्ड है। तो पोलन ग्रेन को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट्स ए हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट विच फॉर्म इनसाइड द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, विच फॉर्म इनसाइड द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब थोड़ा सा ध्यान रखो कि अब थोड़ा पीछे चलो, टेरिडोफाइटा में मेल गैमेट कहां बन रहा था, कहां बन रहा था, स्पोर जर्मिनेट हुआ वो क्या बनाया बेटा, गैमेटोफाइट बनाया। गैमेटोफाइट पे क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। आर्किगोनियम में क्या बन रहा था, एग बन रहा था, एंथ्रीडियम में क्या बन रहा था, एंथ्रोजाइट और मेल गैमेट बन रहा था, यही हो रहा था ना। टेरिडोफाइटा में जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कहां बन रहे थे, फीमेल गैमेट किसमें बन रहा था, आर्किगोनियम में, मेल गैमेट किसमें बन रहा था, एंथ्रीडियम में। ये आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम किस पे लोकेटेड थे, गैमेटोफाइट पे लोकेटेड थे। यहां पर देखो बेटा कि जो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर ये फोर सेल स्ट्रक्चर बना रहा है, पोलन ग्रेन बना रहा है, इसमें कहीं भी एंथ्रीडियम नहीं है, एंथ्रीडियम है नहीं है। और ये जो पोलन ग्रेन है बेटा, ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेट बनाएगा, ये मेल गैमेट बनाएगा। याद रखो बेटा, जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेट है वो एंथ्रीडियम में फॉर्म नहीं होता है। एंथ्रीडियम वाला टर्म हम कहां तक यूज कर रहे हैं, टेरिडोफाइटा तक ही आ रहा है। टेरिडोफाइटा के बाद से एंथ्रीडियम मिलना बंद हो जाता है, टेरिडोफाइटा के बाद से एंथ्रीडियम मिलना बंद हो जाता है। लेकिन आर्किगोनियम मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, ठीक है ना, लेकिन एंथ्रीडियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, पढ़ना पड़ेगा। देखो तुम लोग खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, सारी चीजें मैं एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ, ठीक है, सारे वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दे रहा हूँ, एक बार अगर नहीं आ रहा तो एक बार जाके देख लो। लेकिन अब ये चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और इस पॉइंट को हटा के सिर्फ मैं कहानी सुना के चला जाऊंगा ना, एकदम ईजी वाली, कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन इस पे ही आते हैं बेटा, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, जो रैंक में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, ठीक है। और एक भी चीज़ एनसीईआरटी के बाहर की नहीं है, ठीक है, ऐसा एक भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ,
जो आपका एनसीईआरटी का अलग कुछ चीज़ें मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए जैसे इसको बता दे रहा हूँ, तो एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, लेकिन चीज़ें सारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो ये जो फोर सेल स्ट्रक्चर है बेटा, ये पोलन ग्रेन है। अब ये बताओ बेटा कि टेरिडोफाइटा तक जो मेल एंड फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन है वो किसकी हेल्प से हो रहा था, मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक कैसे पहुंच रहा था, वाटर से। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ये किससे पहुंचेगा, एयर के थ्रू। अब यहाँ से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जिम्नोस्पर्म से अब हम क्या होगा, जो मेल गैमिट जो है फीमेल गैमिट तक किससे पहुंचेगा बेटा, एयर के थ्रू पहुंचेगा, यानी अब यहाँ से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें तुम याद रखो बेटा, यहीं पर एक टर्म याद रखो कि पाइनस एक प्लांट होता है, पाइनस प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है वो विंग्ड होता है। कैसा होता है, विंग्ड पोलन ग्रेन। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन कई बार पूछा है क्वेश्चन, नीट में पिछले कई एग्जाम्स में आया है, 2016 से स्पेशली पहले वाले एग्जाम में। तो याद रखो विंग्ड पोलन ग्रेन किसमें देखने को मिलता है, पाइनस ट्री। पाइनस का जो पोलन ग्रेन है वो विंग्ड होता है, ठीक है, उसमें पंख लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन बन गया बेटा, अब मैं आपको ठीक है, ये जो है बेटा एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन आ गया। पोलन ग्रेन कैसा है, फोर सेल्ड स्ट्रक्चर। अब क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन जो है क्या होगा, जब फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाएगा, वहां पहुंचने के बाद क्या बनाएगा बेटा, पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या फॉर्म करता है बेटा, पोलन ट्यूब बनाता है। और ये जो पोलन ट्यूब जो है बेटा, ये क्या करेगी, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा देगी, ठीक है ना। अभी मेल गैमेट का फॉर्मेशन आपको मैं जिम्नोस्पर्म में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेल गैमेट का फॉर्मेशन अल्टीमेटली आप एंजियोस्पर्म में आप पढ़ोगे, जनरेटिव सेल किस तरह से दो मेल गैमेट बनाती है। बस आपको ध्यान रखना है, ये जो चूंकि मेल गैमेटोफाइट है तो यहीं पर मेल गैमेट बनेगा बेटा। ये जो मेल गैमेट है बेटा, पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ तक जा रही है, फीमेल गैमेट तक जा रही है। टेरिडोफाइटा तक अगर आप देखोगे बेटा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जो है वाटर के थ्रू पहुंच रहा था, यानी जोइडोगैमी था, वो क्या था, जोइडोगैमी। यहाँ पोलन ट्यूब के थ्री पहुंच रही, इसलिए क्या है, साइफनोगैमी। ये क्या है, साइफनोगैमी। ये भी टर्म याद रखना बेटा, कई बार पूछा है, साइफनोगैमी जो है जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक किसके थ्रू पहुंच रहा है बेटा, पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंच रहा है, इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, साइफनोगैमी। उससे पहले क्या था, जोइडोगैमी। इससे पहले वाला टर्म क्या था, जोइडोगैमी। इससे पहले का टर्म था जोइडोगैमी, यहां से साइफनोगैमी स्टार्ट होगी, ठीक है, ओके। अब सपोज करो बेटा, ये जो है यहां पर मेल गैमेट आया और मेल गैमेट फ्यूज कर गया फीमेल गैमेट से, तो उसके बाद स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। अब जैसे ही जाइगोट बनेगा बेटा, ये क्या होगा बेटा, जो ओव्यूल है ना, ये क्या होगा, एक हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, ओव्यूल का जो बाहर का जो कवर है ना, बाहर का जो इंट्यूबमेंट है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड कवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और भाई पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम इसको काफ़ी डिटेल में एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पर इसकी आउटलाइन दे रहा हूँ, ताकि कंपेयर कर लो आप। तो याद रखो बेटा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सीड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले सीड कहाँ बना, जिम्नोस्पर्म में बना। तो ये रीजन बताओ बेटा कि सबसे पहले सीड जिम्नोस्पर्म में ही क्यों बना, उससे पहले क्यों नहीं बना, स
सबसे पहले सीड जिम्नोस्पर्म में ही क्यों बना, टेरिडोफाइटा में क्यों नहीं बना? क्या क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, क्यों बन जाती थी? क्या बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट तो बाकी में भी बन रहा था बेटा। हाँ, कवर्ड, वेरी गुड। क्या है बेटा, देखो जो ओव्यूल का जो प्रेजेंस है ना, आप देखोगे इससे पहले तक क्या था, जो मेगास्पोरिंजियम के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं थी। आ रही बात समझा? अब क्या हो रहा है, मेगास्पोरिंजियम जब एक कवरिंग आ गई, ये वाला पार्ट हार्ड हो जाता है, जो उसका कवर है ना वो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। याद रखो बेटा, सीड फॉर्मेशन के लिए ओव्यूल जरूरी है। सीड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? ओव्यूल, क्योंकि अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होगा। ओव्यूल जो है जिम्नोस्पर्म से पहले तक आपको दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो आपको सीड फॉर्मेशन हो गई। आ रही बात समझ में? और देखो अब एंजियोस्पर्म में क्या है, ये जो ओव्यूल है इसके बाहर एक और कवरिंग आ गई है। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है, वो क्या होती है? ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओव्यूल। तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया बेटा, ओव्यूल के बाहर एक और चीज आ गई, ओवरी आ गई। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट। सीड के बाहर एक और कवरिंग आ गई, वो क्या बना दिया? फ्रूट बना दिया। जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें फ्रूट नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ सीड तक ही बनता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट। इसीलिए क्या है ये? नेकेड सीडेड प्लांट। ठीक है, उसके बाद अब तुमको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, वो है कि जो साइकस होता है, ये भी सारा पॉइंट ध्यान रखना है। जो साइकस है इसमें मेल और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट पे लोकेटेड होते हैं। मेल एंड फीमेल कोन जो है बेटा, ये डिफरेंट प्लांट पे लोकेटेड होते हैं। इसका मतलब किस तरह का प्लांट है? डायोशियस प्लांट है। वेरी गुड। किस तरह का प्लांट है बेटा? है डायोशियस प्लांट है। तो जो साइकस जो है बेटा, डायोशियस प्लांट है। जस्ट ऐसे याद रखो, पाइनस जो है वो मोनोशियस प्लांट है। माइनस जो है वो मोनोशियस प्लांट है। अब देखो बेटा, अब जो हमने एल्गी भी कर लिया, ड्रायोफाइटा भी हो गया, टेरिडोफाइटा भी हो गया, जिम्नोस्पर्म भी हो गया, ठीक है। अब इन चारों प्लांट की लाइफ साइकिल को एक साथ कंपेयर करो, ठीक है, तभी चीजें रिटेन होंगे। फिर फाइनली जब मैं एंजियोस्पर्म कराऊंगा तो फिर एंजियोस्पर्म के साथ इसको कोरिलेट कर लेते, ठीक है, तो फिर बार बार भूलते रहोगे। तो सारी चीजों की लाइफ साइकिल को एक साथ एक बार कंपेयर करके देखो। देखो तो अगर मैं लाइफ साइकिल की मैं फिर से बात कर रहा हूँ, तो लाइफ साइकिल में मैं सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखने को बोला था, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, उस प्लांट की सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखना है, मेन प्लांट बॉडी क्या है। एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है याद रखो, वैसे इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है लेकिन मेनली हम ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। अच्छा, एल्गी का स्पोरोफाइट देखा है कभी? कौन सा देखा है? जब मैं पढ़ाया था तो स्पोरोफाइट बताया था क्या एल्गी का? नहीं होता। एल्गी में एक तरह समझो स्पोरोफिटिक जनरेशन एक तरह से बिल्कुल होती ही नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल होती है। यानी याद रखो बेटा कि जो एल्गी का जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो जाइगोट से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है? जाइगोट से।
और जाइगोट, जाइगोट रूटीनली क्या बेटा, 2N प्लांट है, ये क्या है बेटा, डिप्लॉयड है, जाइगोट तो डिप्लॉयड ही होगा। ये जब जर्मिनेट होगा तो स्पोरोफाइट बनाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एल्गी में, एल्गी में स्पोरोफाइट दिखता ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जाइगोटिक मियोसिस होती है और वो क्या बना लेता है, गैमेटोफाइट बना लेता है, तभी तो होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगी और क्या बना लेगा बेटा, फिर से गैमेटोफाइट बना लेगा। तो अगर हम एल्गी की लाइफ साइकिल की बात करें तो एल्गी की लाइफ साइकिल की प्रीडोमिनेंट जनरेशन क्या है बेटा, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है बेटा, जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस के बाद फिर क्या फॉर्म कर ले रहा है, गैमेटोफाइट बना ले रहा है। क्योंकि ये अगर जर्मिनेट होता तो फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी दिखती, हो ही नहीं रहा था, इसका मतलब क्या है, इसमें मियोसिस हो रही होगी। अब आ जाओ बेटा ब्रायोफाइटा में, आ जाओ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट की प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है बेटा, क्या है, गैमेटोफाइट। एन स्ट्रक्चर, इससे क्या बनेंगे बेटा, हाँ बनेगा गैमेट, बनेगा गैमेट, कहाँ बनेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, किसमें बनेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, ठीक है ना, मेल गैमेट का साइन ये होता है, फीमेल गैमेट का साइन ये होता है, इन दोनों को जब फ्यूज करोगे तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। लेकिन ये बताओ बेटा कि जो स्पोरोफाइट का जो जर्मिनेशन है वो कहाँ हो रहा है, सॉयल में होता है कि प्लांट बॉडी पे होता है, ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है सॉयल में नहीं बनता है, वो कहाँ बनता है, प्लांट बॉडी पे बनता है। तो यानी ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पे क्या है, डिपेंडेंट है, ये स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। और ये जो स्पोरोफाइट है बेटा इसके कितने पार्ट होते हैं, फुट सीटा एंड कैप्सूल, ये जो स्पोरोफाइट से कितने पार्ट है, फुट सीटा एंड कैप्सूल, इसके कैप्सूल में क्या होता है बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उस स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, वो स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट बना लेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें एल्गी की और ब्रायोफाइटा की, दोनों में ही प्रीडोमिनेंट जनरेशन क्या है बेटा, है गैमेटोफाइट है, लेकिन एल्गी में सिर्फ गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है, स्पोरोफाइट नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा, उसमें जो जाइगोट बनेगा और जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा। जबकि ब्रायोफाइटा में प्रीडोमिनेंट जनरेशन तो गैमेटोफाइट है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, स्पोरोफाइट जो है वो दिख रहा है लेकिन स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। अब इसी में मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट जो बनता है, आपको ब्रायोफाइटा के दो टाइप पढ़ाए थे, एक लिवर वॉर्ट पढ़ाया था, दूसरा मास पढ़ाया था। तो मैंने आपको फिर बताया था कि जो लिवर वॉर्ट में जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, जबकि मॉस में जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कैसा है वो इनडायरेक्ट है, पहले प्रोटोनिमा बनेगा फिर क्या बनेगा, फिर मेन गैमेटोफाइट बनेगा, लीफी वाला बनेगा। याद रखो बेटा जब फाइनल टेबल बनवाऊंगा ना उसमें सारी चीज़ें मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना, ये मैं तुमको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आप खुद से पढ़ के आओ, क्योंकि तो अल्टीमेटली आप याद आपको करना है, ठीक है ना, आपके काम आने की चीज़ है, ठीक है, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना इसको मैं पूरे टेबल फॉर्म में करवाऊंगा, अभी जस्ट मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। उसके बाद अगला क्या है बेटा, टेरिडोफाइटा। अब यहां से स्पोरोफिटिक जनरेशन चालू हो गया, अब यहां पर बेटा प्रीडोमिनेंट जनरेशन क्या होती है टेरिडोफाइटा की, स्पोरोफाइट, ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे सॉयल में, सॉयल में जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे बेटा, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा, प्रोथैलस। इस प्रोथैलस में क्या बनेंगे,
आर्किगोनियन एंथ्रीडिया जिसमें जिसमें मेल एंड फीमेल गैमिट बनेंगे, जिसमें क्या बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमिट, ये फ्यूज होकर क्या बना लेंगे जाइगोट, जाइगोट जर्मिनेट होकर फिर स्पोरोफाइट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन तो प्रीडोमिनेंट जनरेशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन या प्रोथैलिक जनरेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता लेकिन एटलीस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या है इसका? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी टेरिडोफाइटा में आपको इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन देखने को मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप देखोगे जैसे अगर एल्गी में बात करूँ तो स्पोरोफाइट मिल ही नहीं रहा है, ब्रायोफाइटा में अगर मैं बात करूँ तो स्पोरोफाइट क्या है बेटा गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर देखो जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली सॉयल में जर्मिनेट हो रहा है। अगेन जिम्नोस्पर्म में आऊँ, वहाँ पर क्या हो रहा था गैमेटोफाइट कहाँ जर्मिनेट हो रहे थे, स्पोरोफाइट के अंदर जर्मिनेट हो रहे थे, उस पर डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन आपको सिर्फ किस में देखने को मिल रहा है बेटा, सिर्फ टेरिडोफाइटा में मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन सिर्फ जो है किसमें देखने को मिल रहा है टेरिडोफाइटा में। अब आ जाओ अगला जो है लास्ट जो है इसका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या है बेटा स्पोरोफाइट, इससे क्या होगा, हाँ लेकिन याद रखो बेटा जिम्नोस्पर्म हमेशा हेटरोस्पोरस होते हैं, क्या होंगे हमेशा हेटरोस्पोरस होंगे, तो क्या बनाएंगे मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, ये मेगास्पोर और ये माइक्रोस्पोर, ये जो मेगास्पोर है बेटा ये क्या बनाएगा मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, इसके फीमेल गैमेटोफाइट को आप एंडोस्पर्म भी लिख लो, क्या लिख सकते हो एंडोस्पर्म, ये जो माइक्रोस्पोर है बेटा इससे क्या बनेगा मेल गैमेटोफाइट, इसको और क्या बोल रहे हैं पोलन ग्रेन, दूसरा और क्या बोल रहे हैं इसको पोलन ग्रेन, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा इसमें फीमेल गैमेट बनेगा, पोलन ग्रेन में क्या बनेगा मेल गैमेट बनेगा, ये दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेंगे जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट को चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग आ गई, ये स्ट्रक्चर क्या बन गया सीड बन गया, सीड जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा स्पोरोफाइट बना लेगा। आ रहा है साइकिल समझ में, कुछ इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जो जिम्नोस्पर्म हमेशा हेटरोस्पोरस होते हैं बेटा, ठीक है। अब फाइनली जब एंजियोस्पर्म कराऊंगा फिर इसके साथ हम इसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। चलो अब डाउट पूछ लो, जो भी तुम लोगों को डाउट हो, बहुत सारे लोगों के चेहरे जो हैं उड़े हुए दिख रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, देखो इजी है, अगर आप थोड़ा सा एक बार लॉजिकल जाओगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिक्वेंस में जाना है, इसको जो पैटर्न बताएं आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। अब नई एनसीईआरटी ले लो, फिर बोल रहा हूँ बार बार, बहुत सारे बच्चे सब पुरानी में पकड़े हुए ले लियो, ठीक है, तो नई से ही पढ़ो। तो बेटा देखो जो है ना ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज हो जाता है ऐसा नहीं है, ठीक है। जितनी जिन चीज़ों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है वही चीज़ आपको बार बार करनी होती है, ज़्यादा नहीं करना होता है, जो सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हमको उसी चीज़ को बार बार करना है। और बायो में तो लास्ट 6 ईयर से ट्रेंड ही चल गया कि सिर्फ एनसीईआरटी पूछ रहे हैं और कुछ पूछ ही नहीं रहे, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं वो भी एनसीईआरटी से ही है, जो एग्जाम्पलर एंड उसके जो प्रैक्टिकल बुक है उससे ऐड होते हैं वो सारा ऐड करवा ही देते हैं, पढ़ाते समय वैसे भी सारा बता देता हूँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है बेटा? और जो लोग भी अभी नए आए हैं जुलाई में फिर से मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा, तो पार्ट को दोबारा हम लोग कर लेंगे जुलाई में, मैं इन सारी चीज़ों को रिवाइज करवाऊँगा। ठीक है,
अब जो है बेटा कि जो अभी तक मैंने आपको लास्ट में जो है जिम्नोस्पर्म तक मैंने करवा दिया है, जिम्नोस्पर्म तक क्लियर है सारे बच्चों को, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एंजियोस्पर्म से कंपेयर कर लो। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल जो है वो जिम्नोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो जिम्नोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पूरा डिटेलिंग जो है पॉलिनेशन किस तरह से हो रहा है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेंगे, जिसके बाद का चैप्टर है। अभी मैं सिर्फ लाइफ साइकिल को कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखते हैं बेटा एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा फर्स्ट फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं, मतलब फर्स्ट क्या, ये फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं। अब देखो जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था, अच्छा उससे पहले बताओ एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा, स्पोरोफिटिक होगी। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट है मतलब क्या बनाएगा बेटा, ये स्पोर बनाएगा। स्पोर बनाएगा मतलब क्या होगा बेटा, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू होंगे इसमें। अब ये बताओ मुझे कि जिम्नोस्पर्म के जो स्पोरोजिनस टिश्यू वो कहाँ प्रेजेंट थे, कहाँ थे प्रेजेंट, लीफ में थे ना, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल पे। जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में। जो माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल है जो कोन बना ले रहे हैं, जो क्या बना ले रहे हैं, कोन बना, मेगा कोन या माइक्रो कोन बना रहे हैं। एंजियोस्पर्म के जो स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर, वेरी गुड। इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा फ्लावर में, देखो अगर बेटा एंजियोस्पर्म फ्लावर की अगर बात करोगे तो उसमें दो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, गाइनोशियम एंड्रोशियम, ठीक है ना। अगर गाइनोशियम की अगर बात करोगे बेटा तो ये पार्ट क्या है, स्टिग्मा है बेटा, ये वाला पार्ट क्या है, स्टाइल है, ये पार्ट क्या है, ओवरी है। और इसके अंदर जो है बेटा स्टॉक के थ्रू ऐसे क्या अटैच होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू। इस ओव्यूल के अंदर क्या न्यूसलस है, उस न्यूसलस ही तो क्या है, मेगा स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू है। आ रही बात समझ में, तो याद रखो बेटा अब जो है एंजियोस्पर्म में जो स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू है वो लीफ से एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया, वो स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर है। और फ्लावर का जो जो गाइनोशियम वाला पार्ट है बेटा उसमें क्या है, मेगा स्पोर टिश्यू है, ठीक है। और जो इसका जो ये जो ये जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है बेटा, इसका ये जो एंथर लोब है, ये क्या है, एंथर लोब है। इस एंथर लोब में क्या होता है, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी पोलन ग्रेन कहाँ बन रहा है, इस एंथर लोब में बन रहा है। आ रही बात है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन रहा है, इस ओवरी के अंदर के ओव्यूल में बन रहा है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल लोकेटेड है यहाँ पर बन रहा है। तो डिफरेंस अब समझ में आना शुरू हो गया कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो अब तुमको एक चीज और पूछता है कि जो मेगा स्पोरोफिल है, इसको आप क्या बोलोगे, कार्पेल बोलोगे कि ओवरी बोलोगे। मेगा स्पोरोफिल जो है ये किसके सिनोनिमस है, जिम्नोस्पर्म का जो मेगा स्पोरोफिल है वो एंजियोस्पर्म में किससे कंपेयर करोगे, ओवरी से कि गाइनोशियम कार्पेल से। अच्छा कार्पेल एंड गाइनोशियम में डिफरेंस क्या है, हाँ क्या होता है बेटा, रिंग होती है ना, एक एक प्लांट में हो सकता है कि चार पांच कार्पेल हो, उस पूरे रिंग को हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम बोलेंगे। सिंगल सिंगल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। तो याद रखो बेटा जो मेगा स्पोरोफिल है दैट इज इक्वलेंट टू कार्पेल, इसको कंफ्यूज मत होना, ये किसके बराबर होता है, मेगा स्पोरोफिल इज इक्वल टू कार्पेल, क्योंकि वहां लीफ पे क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल प्रेजेंट था। यहां पर क्या है बेटा, इस कार्पेल पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो मेगा स्पोरोफिल इज इक्वलेंट टू कार्पेल, ओवरी मत कर देना, क्या है, मेगा स्पोरोफिल इज इक्वलेंट टू कार्पेल, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ओके अब देखो बेटा हमको क्या करना है, अब ये जो ओव्यूल है बेटा इसके अंदर हमको क्या बनाना है, मेगा स्पोर बनाना है,
इस मेगा स्पोर से हमको क्या बनाना है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। इस मेगा स्पोर से क्या बनाना है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो याद रखो बेटा, जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा था वो क्या था, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था। उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या था, आर्किगोनियम प्रेजेंट था। उस आर्किगोनियम में क्या प्रेजेंट था, फीमेल गैमेट प्रेजेंट था। एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट, मेरे को बताओ कैसा होता है? हाँ वेरी गुड, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है। माइक्रोफाइलर एंड की तरफ क्या होता है, एग एपरेटस होता है। नीचे की तरफ क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। एग एपरेटस में एक सेल क्या होती है, एग होता है, और दो क्या होती है, साइनर्गिट्स होती है। जबकि वहां पर क्या था, एक कहाँ प्रेजेंट था, जिम्नोस्पर्म में, एक किस में प्रेजेंट था, आर्किगोनियम में। यहाँ पर आर्किगोनियम कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है आर्किगोनियम आपको लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनियम टर्म जो है सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक आता है, एंजियोस्पर्म में आपको आर्किगोनियम नहीं मिलेगा। वैसे जो एंथ्रिडियम जो है बेटा, लास्ट आपको कहाँ मिल रहा था, टेरिडोफाइट आता है, उसके बाद से एंथ्रिडियम आपको नहीं मिलेगा। अरे बात समझ, एंथ्रिडियम जो आपको सिर्फ टेरिडोफाइटा तक मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है मेनली इंसेक्ट्स, बी सबसे इंपॉर्टेंट, जो बी है मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है। अगर बी अगर एक्सटेंट हो गए तो हम भी एक्सटेंट हो जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है ना। बी पॉलिनेशन भी इतना इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है बेटा इसमें मेनली इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है या बी के थ्रू हो रहा है, वहां पर पॉलिनेशन मेनली किसके थ्रू हो रहा था, एयर के थ्रू हो रहा था। अब देखो बेटा कि जो इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है, इसमें कहीं पर भी आपको एंडोस्पर्म दिख रहा है, एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट में एंडोस्पर्म है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। तो याद रखो बेटा, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो किसके बाद बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो थ्री एन स्ट्रक्चर होता है। और जबकि जिम्नोस्पर्म में पहले ही बन गया, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया, इसलिए क्या होता है, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। अगर इतने पॉइंट ध्यान रखोगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही मेन डिफरेंस है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ आप लोग कंफ्यूज होते हो, ठीक है। बाकी जब एंजियोस्पर्म कराऊंगा तो उसके साथ और चीज़ें ऐड ऑन होंगी, ठीक है, उसमें हो जाएगा सारा, ठीक है। उसका फिर फाइनल हम एक टेबल बनाएंगे, फिर सारे को एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, और फिर टेस्ट होगा, उसके बाद समझ में आएगा तैयारी कैसी है, ठीक है। चलो अब कंप्लीट हो गया, अब अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है बच्चों, कुछ भी पूछना हो? ठीक है, चलो इसके बाद फिर हम लोग रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे।